हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट 21 एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, 21 है, 6.1। इसमें 21 में आपको क्या दिया है, देखो। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट एंड फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ द एटलीस्ट 60 मार्क। क्या दिया गया है, रवि नाम का एक लड़का है, इसकी 3 टेस्ट यहाँ पे अरेंज की गई है। फर्स्ट में 70, सेकेंड में 75। तो मैं मान लेता हूँ कि सपोज रवि ऑब्टेंड X marks in third test. Therefore, क्या होगा, पहले 70 था, सेकेंड के 75 थे, थर्ड के X। इन तीनों की एवरेज यानी कि डिवाइड बाय 3 कितनी है, एटलीस्ट 60 मार्क। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि ये कम से कम 60 तो होगी ही, कम से कम 60 तो होगी। इतनी एवरेज कम से कम 60 होगी, इसका मतलब ये बढ़ भी सकती है और 60 भी आ सकती है, कम से कम के मतलब ये। तो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल। इसको सॉल्व करो, क्या होगा, यहाँ पे 3 मल्टीपल कर देंगे, ये होगा 75 प्लस 71 45 प्लस x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 into 3, यानी कि 180 हो गई है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145 क्या होगा, 35। तो एटलीस्ट थर्ड टेस्ट में उसको 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एटलीस्ट क्या लाना पड़ेगा, 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, तो रवि should be obtained थर्टी फाइव marks at least। सेकेंड है आपके पास, सेकेंड में यानी कि 22 में क्या दिया है, देखो। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन द 5 एग्जामिनेशन इन ईच ऑफ 100 मार्क्स। यहाँ पे 5 एग्जामिनेशन है आपकी, फिर से यही क्वेश्चन है इसके जैसा ही। 5 एग्जामिनेशन में 4 के मार्क्स आपको गिवन है, 87, 92, 94 और 95। फिर से मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज मान लेते हैं कि 97, 92, 95 and x its average is 90। इसकी एवरेज आपको 90 दी गई है। ओके, तो आपको क्या करना है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड। तो मिनिमम मार्क्स आपको यहां पे पूछा गया है, तो फिर से क्या करेंगे, इन 5 मार्क्स जो आपको दिए है, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x कितने हैं, टोटल 5 है, वो क्या हो गए, ग्रेटर इक्वल टू 90। एटलीस्ट 90 है, इसका मतलब क्या है, 90 भी हो सकता है और 90 से बड़ा भी हो सकता है ये वैल्यू। तो क्या होगा, सम करो पहले, तो ये हो गया 179, यानी पहले ऐसे करो, पहले सब में 90 कर दो, यहाँ पे 38 कर दो, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स 90 360, 2, 1, 3 और 5, 8, 368 होगा, आई थिंक, सॉरी 368, रेडी, प्लस
एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ पे मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 450। तो एक्स की वैल्यू आएगी ग्रेटर इक्वल टू 450 माइनस 368, कितना आएगा? एक्स ग्रेटर इक्वल टू 450 माइनस 368, तो यहाँ पे आएगा 2। ओके, 10 में से 8 कटेगा 2, 44 में से 36 तो बचेगा 8। तो मिनिमम 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे। कितने आएंगे? मिनिमम 82 मार्क्स यहां पे उसको लाने पड़ेंगे। 82 मार्क्स एटलीस्ट सुनीता हैव टू ग्रेड है। 23 है, 23 में क्या दिया आपको? फाइंड द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, बोथ ऑफ विच आर द स्मॉलर देन 10 इन सच देयर सम इज अ मोर देन 11। ओके, तो क्या दिया देखो, पहले तो आपको दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड सपोज करना है। तो सपोज मैं मान लेता हूं कि सपोज एक्स एंड एक्स प्लस टू आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि एक्स एंड एक्स प्लस टू जो है हमारा बहुत ऑड पॉजिटिव। ऑड का मतलब क्या है? ऑड यानी कि कोई आपके पास 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 अप टू सोन ऐसे नंबर्स आने चाहिए। ये 1 है तो ये 3 होगा, ये 5 है तो ये 7 होगा। ओके, तो इसलिए मैंने x और x प्लस टू यहां पे सपोज किए। नेक्स्ट क्या दिया है? विच आर स्मॉलर देन 10, 10 से वो स्मॉल होने चाहिए। तो यहां से पहली आपको कंडीशन दी है x लेस देन 10, ये वाला नंबर 10 से स्मॉल होना चाहिए। और सेकेंड x प्लस टू वो भी 10 से स्मॉल होना चाहिए, तो यहां पे होगा x लेस देन 8, ये है आपकी सेकेंड कंडीशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, इस दोनों का सम है 11 से बड़ा है, मोर देन 11। ओके, तो क्या करेंगे? यहां पे लिखता हूं मैं सम, दोनों का सम यानी कि एक्स प्लस टू विच इज मोर देन 11, विच इज मोर देन 11। तो यहां पे क्या होगा? एक्स प्लस एक्स 2x, 2 सर जाके हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू होगी 9/2। x की वैल्यू क्या होगी? 9/2 यानी कि 4.5 है, 4.5। तो यहां पे x आपका बनेगा 4.5, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब 1, 2 और 3 तीनों का यूज करो और बताओ कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हम ले सकते हैं, x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। तो यहां से मैं ऐसा लिखता हूं, होगा क्या, ये 4.5 एज इट इज यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 और 3, 4.5 विच इज लेस देन एक्स दिया हुआ है यहां पे। अब एक्स की वैल्यू कहां तक जा रही है? 8 तक जाएगी या 10 तक जाएगी? एक्स की वैल्यू 8 तक जाएगी या 10 तक जाएगी, बताओ? तो 8 तक जाएगी, क्योंकि वो लेस देन 10 है, लेस देन 10 है यानी कि एक्स प्लस टू जो भी है हमारे पास वो लेस देन 10 आना चाहिए। तो पहले क्या होगा? तो एक्स की वैल्यू 8 तक ही लेंगे हम, एक्स की वैल्यू 8 तक ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी हो जाती है तो कोई भी आंसर आपका यहाँ पे आएगा उसमें प्लस टू करेंगे तो 10 से बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी, तो ये तो आपको चाहिए नहीं। ओके, तो ये रिजल्ट हमने कंक्लूड किया 4.5 लेस देन एक्स लेस देन 8। अब क्या करेंगे यहां से? तो आपको जो भी कंडीशन दी हुई थी, क्या दी हुई थी? एक्स एंड एक्स प्लस टू आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो 4.5 और 8 के बीच में कौन से दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं ये आपको बताना है। तो देयर फोर एक्स इज ऑफ पहले तो 5 आएगा, बाद में 7 आएगा, देन एक्स प्लस टू इज अ 7 एंड 9।
अगर मैं 5 यूज करता हूं तो 7 आएगा एंड 7 यूज करता हूं तो 9 आएगा. देयरफॉर सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन आया, टू सॉल्यूशन आया पे 5 और 7 ये पेयर है और एक है 7 और 9. दो पेयर में आपका आंसर आएगा, एक आएगा 5 और 7, एक आएगा 7 और 9. ओके क्लियर दैट. चलो नेक्स्ट आगे है एग्जांपल नंबर 24. देखना अच्छे से, ये स्क्रीनशॉट ले लेना. नेक्स्ट क्या लिया देखो 24 में, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. आपको अब दिया है इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो सपोज क्या करेंगे, वही x और x प्लस 2. ओके सपोज तो आपको वही करना है, x और x प्लस 2. तो आगे क्या होगा उसमें, बोथ विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से 5 से बड़े हैं. तो यहां पे क्या लिखेंगे 24 में, सपोज x एंड x प्लस 2 आर टू इवन पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, देन x विच इज ग्रेटर देन 5 और x प्लस 2 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, देयरफॉर x ग्रेटर देन 3. ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है. ओके जो भी दिया है मैंने लिखा, बाद में क्या दिया है आपको, सम इज लेस देन 23. इन दोनों का सम x प्लस x प्लस 2 वो लेस देन 23 है, 23 से लेस देन है. ओके तो डायरेक्टली यहां पे क्या होगा, 2x विच इज लेस देन 21 और x विच इज 21 बाय 2, x लेस देन 21 बाय 2. तो यहां से 21 बाय 2 का मतलब है 10.5, इसका मीनिंग क्या है 10.5. तो इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3. नाउ क्या करेंगे, फ्रॉम 1 टू एंड 3 हमारे पास क्या आएगा, ये 3 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 3 से बड़ी या तो 5 से बड़ी, किससे बड़ी लेनी है आपको, 5 से बड़ी लेनी है. तो 5 लिखेंगे यहां पे, 5 विच इज लेस देन x लेस देन 10.5. ओके तो यहां पे क्या करेंगे, आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, देयरफॉर इवन यानी कि 6 आएगा, x इक्वल टू 6, बाद में क्या आएगा 8 आएगा और 10 आएगा. तीन नंबर्स यहां पे आपके पास है, 6 8 और 10. ओके कंप्लीट. चलो अब आपको ये बताना है कि 10 हम यहां पे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, 10 यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको पहले दिखाना है. कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, यहां पे ये भी आपको बोलना पड़ेगा. तो हम यहां पे 10 यूज क्यों नहीं कर रहे थे, टेन यूज क्यों नहीं करेंगे बताओ फटाफट से. पहले देख लो x की वैल्यू में ये 2 लेता हूं, तो यहां पे x प्लस 2 क्या मिलेगा, 6 के लिए मिलेगा मुझे 8, इसके लिए मिलेगा 10 और इसके लिए मिलेगा 12. ओके तो यहां पे 3 आपको नंबर मिलेंगे. पहले पेयर होगी, पेयर ऑफ सॉल्यूशन is equal to 6, 8, 8, 10 और 10 और 12. ओके ये आपको आंसर बुक में नहीं दिया होगा 10 और 12. ओके बट ये आंसर भी करेक्ट है. चलो 25 में क्या दिया देखो, 25 है यहाँ पे आपके पास, 25 में है the longest side of the triangle is 3 times the shortest side
एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट देन द लॉन्गेस्ट साइड. इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर फाइंड द. हमें क्या दिया देखो, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड. तो मैं यहां पे शॉर्टेस्ट साइड आपको पहले तो फाइंड करनी है. तो शॉर्टेस्ट साइड सपोज कर लेता हूं इज x सेंटीमीटर, देन लॉन्गेस्ट साइड आपकी क्या होगी 3 टाइम्स विद शॉर्ट x, तो 3x सेंटीमीटर होगा ये. ओके अब नेक्स्ट क्या दिया है, the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. तो थर्ड साइड ट्राइंगल की थर्ड साइड क्या है 2 सेंटीमीटर shorter, यानी कि माइनस 2 करेंगे लॉन्गेस्ट में से. तो ये तीनों दी गई है आपको और बोला गया है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विच इज एट लीस्ट 61, विच इज एट लीस्ट 61, देयरफॉर यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर. पेरीमीटर की इसको बोलते हैं तीनों जो लेंथ है आपके पास उसका सम. पेरीमीटर विच इज एटलीस्ट 61, एटलीस्ट का मतलब क्या है कम से कम 61 है, 61 से बड़ी भी हो सकती है इसकी पेरीमीटर. देयरफॉर इन तीनों का सम क्या होगा x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 61. देयरफॉर यहां पे 7x माइनस 2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 61, तो यहां पे निकलेगा 7x आपके पास 63 और x की वैल्यू आएगी 9. x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 यहां पे आएगा. तो यहां पे आपके पास शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी 9 होगी. शॉर्टेस्ट लाइन इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. ओके चलो इजी था. इसके बाद में 26 में भी आपको ऐसा ही दिया गया है. क्या दिया गया, अ मैन वांट टू कट टू थ्री लेंथ फ्रॉम द साइड सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर. ओके नेक्स्ट है 26 में, अ मैन वांट टू कट द थ्री लेंथ ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ द बोर्ड ऑफ द लेंथ 91. द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. ओके आपको फाइंड क्या करना, देखो पहले शॉर्टेस्ट लेंथ से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकेंड लेंथ, तो सेकेंड लेंथ आपके पास शॉर्टेस्ट अगर x है तो उससे 3 सेंटीमीटर ये लॉन्गर है, तो सेकेंड यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी आपकी x सेंटीमीटर. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द सॉरी अगर द थर्ड लेंथ इज द ट्वाइस एज द लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. ये थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से दुगनी है. शॉर्टेस्ट से क्या है दुगनी है, यानी कि ट्वाइस है. तो थर्ड लेंथ आपकी शॉर्टेस्ट से दुगनी यानी कि 2x है. अब ये क्या दिया गया है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड. क्या ये पॉसिबल है कि आपकी शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस ऑफ टू बी एटलीस्ट ये थर्ड वाली है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, ये सेकंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो सकती है, ऐसा आपको यहाँ पे दिया गया है. पहले इस तीनों का पेरीमीटर आपके पास क्या है लेंथ, टोटल लेंथ 91 है ऐसा आपको पहले दिया है फर्स्ट लाइन में. तो उसको क्या करना है, देखो फर्स्ट लाइन में तो 91 सेंटीमीटर जो आपके पास पूरी लेंथ थी उसमें से आपने बना है, यानी कि थोड़ा कुछ आपके पास यहाँ पे लेंथ बचेगा अभी जरूर. तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन तीनों का सम या तो 91 से छोटा होगा या तो 91 जितना होगा. कुछ पार्ट बचा है तो छोटा होगा 91 से ये, और कंप्लीट 91 है तो ये इक्वल होगा. तो यहां से क्या आएगा 4x plus 3 which is less than equal to 91, therefore 4x which is less than 91 minus 3 तो ये होगा 88. तो x की वैल्यू आएगी 22, x which is less than equal to 22. अब नेक्स्ट आपको क्या दिया है, सेकेंड लेंथ है आपकी और थर्ड लेंथ है.
सेकेंड लेंथ क्या दी गई है, थर्ड लेंथ। पहले मैं एक बार फिर से सेंटेंस यहां से रीड करता हूँ। तो शॉर्टेस्ट बोर्ड इज द थर्ड पीस, ये थर्ड पीस पहले ऐसा करो, थर्ड पीस दी है तो पहले थर्ड पीस लिखो। थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, एटलीस्ट यानी कि क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू, ये थर्ड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, थर्ड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, ये एक्स इस साइड आएगा, एक्स रहेगा यहां पे और यहां पे होगा 8, तो एक्स की ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू 8 आएगी, यहां से 22 है तो आएगा ऐसा कुछ, सॉरी यहां पे एक्स है 22, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, तो बाय 1 एंड 2 वी गिव 8 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 22, देयरफॉर यहां पे क्या आएगा आंसर में आपको पूछा गया है कि थर्ड की साइड लेंथ क्या होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट साइड लेंथ क्या होनी चाहिए, तो 8 से लेके 22 सेंटीमीटर एटलीस्ट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पीस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे 20 आपको जो भी शॉर्टेस्ट पीस है उसकी लेंथ 8 टू 22 के बीच की होनी चाहिए, इससे आगे नहीं जा सकते हम। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 6.2। तो 6.2 में जाने के पहले आपको यहाँ पे थियरी है कुछ दी हुई, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। अब इसकी ग्राफिकल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो आपको वो डायरेक्टली पता चलेगा किसके थ्रू, इक्वेशन जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं उससे आपको डायरेक्टली पता चलेगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो पहले देखो क्या करेंगे हम, तो सब पॉइंट्स में यहाँ पे आपको फिगर आउट कर देता हूँ। पहले आपको कोई भी अगर इक्वेशन दी हुई है वो भी टू वेरिएबल्स में है, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी ऐसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी है, लाइन की, एक ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो आप यहां से ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, तो ग्राफ की इक्वेशन में क्या करना है, आपको इक्वेशन इस तरह से कुछ दी हुई होगी, पुट x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो, देन वी फाइंड टू पॉइंट्स ऑन y एक्सिस एंड x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगर आप इस इक्वेशन जो भी दिया हुआ है उसमें x इक्वल टू जीरो पुट करते हो तो y एक्सिस की इक्वेशन मिलेगी, y एक्सिस के पॉइंट मिलेगा आपको, और y इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो x एक्सिस का पॉइंट मिलेगा। ड्रॉ द लाइन बिटवीन दिस, ड्रॉ द लाइन बिटवीन दिस पॉइंट्स, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपकी लाइन ड्रॉ करी गई है, जो भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन, उसमें एक्स और वाई इन दोनों के इक्वल टू आपको जीरो पुट करना है, देन गिवन स्टेटमेंट आपको जो भी आंसर मिल, रिजल्टिंग स्टेटमेंट is true, then origin in the solution set, और अगर if false, therefore क्या होगा, origin ये set में नहीं आएगा, solution set में, तो उसके सिवाय का part हम यहाँ पे highlight करेंगे। okay, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में लेता हूं 6.2 की, तो यहाँ पे देखना क्या है 6.2, इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट आपको दिया गया है एक्स प्लस वाई विच इज लेस देन 5, एक्स प्लस वाई विच इज लेस देन 5, तो क्या करेंगे, तो पहले जो मैंने किया यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 पुट करनी है, एक्स प्लस वाई पहले इज इक्वल टू 5 लिख दो, इसके यहाँ पे जो दिया गया फॉर्म है जनरल फॉर्म, इसमें लिखा है आपको x plus y equal to 5, which is equation 1, ये लाइन की इक्वेशन अगर है तो किस पार्ट में यहाँ पे ड्रॉ
करते हैं पहले तो ग्राफ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस आपको पता है ऑलरेडी। अगर पुट एक्स इक्वल टू जीरो देन वाई इज इक्वल टू फाइव, तो ये पॉइंट होगा जीरो फाइव, एंड पुट एक्स इक्वल वाई इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू फाइव, तो पॉइंट होगा आपके पास फाइव जीरो। तो यहां पे पहला आएगा जीरो फाइव, यहां पे आएगा फाइव जीरो, इन दोनों के बीच से आपको लाइन पास करनी है, ये पॉइंट है फाइव जीरो का, ये पॉइंट है फाइव जीरो, दोनों के बीच में से लाइन पास आउट करनी है, ऐसे मैंने यहां पे जो की है लाइन पास आउट। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि क्या ये जीरो जीरो वाला पॉइंट आपके सॉल्यूशन सेट में बनता है, इस सेट तो ड्रॉ करेंगे, अगर नहीं बनता है तो उस सेट जाने देंगे पॉइंट को। ओके, तो अब मैं करता हूं पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, तो क्या होगा जीरो विच इज लेस देन फाइव, ये कंडीशन होगी, जो भी आपके पास इक्वेशन है उसमें पुट करो तो क्या होगा जीरो लेस देन फाइव, क्या ये करेक्ट है, देन पिंस जीरो जीरो इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट, देयरफॉर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट आपके पास जीरो जीरो है, वो सॉल्यूशन सेट में यहां पे आ रहा है आपके पास, तो आपको जो भी पार्ट सॉल्यूशन सेट में दिया गया है वो क्या होगा कि जो भी लाइन है लाइन के बिलो का पार्ट यानी कि जीरो जीरो वाला पार्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, जीरो जीरो वाला जो भी पार्ट है उसको आपको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई भी आप यहां से पेन और पेंसिल लेके इसे शेडिंग कर दीजिए, ओके, तो ये पार्ट सारा का सारा हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन का सेट रहेगा, जो भी पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन सेट रहेगा ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से सेकंड है, इसे अगर जीरो जीरो नहीं आता ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऊपर वाला पार्ट यहां पे आएगा आपका।